खबर है। मिर्जापुर से जिलाधिकारी ने किया विंध्य कॉरिडोर के कार्य का निरीक्षण। रास्ते से मलबा हटाकर यात्रियों के आवागमन हेतु समतल बनाने का दिया निर्देश। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को मंदिर के आसपास सफाई कराने का दिया निर्देश। जी हां, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार आज दोपहर 3:30 में विंध्याचल में निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर के कार्य के प्रगति का भ्रमण कर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा निर्माणाधीन एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा गया कि निर्माण कार्य के दौरान मलबे मिट्टी को एक किनारे करते हुए रास्ते को साफ सुथरा यात्रियों के लिए बनाए रखे। निरीक्षण के दौरान पक्का घाट के पास मध्य में बिजली का खंभा न हटाए जाने पर अधिशासी विद्युत को 2 दिन के अंदर हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य में जिन जिन विभागों का कार्य निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा हो उनकी सूची बना कर दे ताकि उसे हटवाया जा सके। जिलाधिकारी ने अपने निरीक्षण के दौरान बनाए जा रहे पिलर की गुणवत्ता को परखा तथा निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय पुरानी VIP जयपुरिया गली कोतवाली मार्ग एवं पक्का घाट पर भ्रमण कार्य चल रहा कार्यों को देखा गया तथा कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद कुमार व राजकुमार पांडे से बिंदुवार जानकारी प्राप्त की। मंदिर परिक्रमा पथ के बारे में बताया गया कि 130 खंभे पिलर लगाए जाने हैं जिनमें से लगभग 70 पिलर के आसपास खड़ा किया जा चुका। शेष पिलर पर कार्य तेजी से चल रहा है। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। जी सर, जी सर, विंध्य कॉरिडोर कार्य चल रहा है, क्या प्रगति है? देखिए, मैंने यहाँ विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया है और कार्य प्रगति पे है, लेकिन कुछ जगह अभी सुधार की जरूरत है। जैसे इन्होंने पक्का घाट पे जो कार्य किया है तो वो अभी स्लो है, उसमें मैंने कहा है कि उसको थोड़ा तेज़ी से करना चाहिए। और जैसे इनके 130 पिलर यहाँ पे कास्ट होने तो उसमें से लगभग 70+ पिलर ऐसे 70 से 75 जिन पे इन्होंने कुछ काम कर लिया है। बाकी अभी भी 50 से 55 पिलर ऐसे हैं जिनको अभी कास्टिंग इनको करना है, तो उसके लिए भी मैंने बोला। और यहाँ पे यात्री भी आ रहे हैं और उसके साथ दर्शन भी हो रहे हैं, उसी के साथ कार्य चल रहा है, तो मैंने इनको यह भी निर्देश दिया है कि बैरियर लगा करके काम किया जाए ताकि यात्री की सुरक्षा बनी रहे और किसी प्रकार की चोट वगैरह लगने या दुर्घटना होने की संभावना नहीं। बिजली विभाग के पोल भी रास्ते में खड़े हुए हैं सर, उसके लिए क्या निर्देश दिए गए? बिजली विभाग के जो पोल लगे हैं उनके तार हटा दिए गए हैं, तो पोल नहीं हटाए गए हैं, तो उनको हटाने के लिए निर्देश दिया गया है और वो 2-3 दिन में हटा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।